पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के बाढ़ प्रभावित कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का हवाई सर्वे किया। इस दौरान बारा झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह भी राजे के साथ रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने चिंता जताते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और SP ऋचा तोमर सहित अधिकारियों को चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजे ने कहा कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान मेरी जिधर भी नजर पड़ी उधर ही तबाही का मंजर दिखाई दिया। किसानों की सोयाबीन, उड़द, मक्का, चावला सहित सभी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यदि राज्य सरकार ने गत वर्षों में बाढ़ के सभी सबक नहीं लिया होता तो आज इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आश्चर्य यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर लोग जरूर आहत हैं, लोग मर रहे हैं, कई जगह पे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, पशुपालकों का पशुधन बिल्कुल नष्ट हो गया है और लोगों के घर ढह गए हैं। सरकार का अता पता नहीं, आपदा और राज्य सरकार लापता, ये आंखों से देखने का हमें मौका मिला। पर मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, आज प्रदेश के करीबन 7 जिलों के अंदर बाढ़ की हालत है और बारा, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, इनमें बाढ़ की स्थिति से लोगों का मैंने जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबरदस्त रूप से उनका जीवन प्रभावित हुआ है। वो कुछ तो हमको देखने को मिला और कुछ हमने उनकी जानकारी ली। 3-3 दिन से लोग भूखे प्यासे एक एक जगह के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर, मंदिर की छत के ऊपर फंसे हुए पड़े हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी लोगों को संभावित बाढ़ क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया है और अब एफर्ट्स पूरी तरह से जारी।